असल टुडे आई एम विद वन ऑफ पाकिस्तान फेवरेट एक्टर्स एंड ही सम्बडी एव interviewed a lot of times. और आज इनके आने से पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं जब भी इन इंटरव्यू करती हूँ तो मेरे पास एक नई लिस्ट होती है सवालों की वो इसलिए क्योंकि ये हर वक्त काम कर रहे होते हैं कंसिस्टेंटली और इनका काम हिट बहुत होता है मेरा इनसे मजाक भी है कि ही हैज़ अ गोल्डन टच एंड आई थिंक इट्स नॉट जस्ट दैट ही इज़ अ ग्रेट एक्टर ही इज़ अ रियली गुड पर्सन सो आई फील वॉट ही डज इज़ विद ऑफ ऑनिस्टी And it shows on screen. I think you get that he's one of my favorite people in the industry, and I'm really looking forward to this oh. interview. Thank you for meeting me. Thank S. you, Maliha. It's a pleasure, and thank you for saying such nice stuff it's about It's such, 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 such. you i But when you Oh, you're embarrassed. <laughs> <laughs> I mean, yeah. Uh, but uh, thank you for saying all this, and yes, I do try my best. Any job I don't कम ज़्यादा छोटा बड़ा प्रोजेक्ट हो आई एम ऑनेस्ट एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गिव कितने साल हो गए इंडस्ट्री में ऐसे मोर देन 20 ईयर्स ना है ना एंड एंड ये भी बात है कि जो भी काम करते हैं आप अभी भी उसके लिए एक्साइटेड होते हैं ओह यस है ना आई डोंट नो वो एक्साइटमेंट थैंक गॉड वो जाती नहीं है जैसे हम रात को uh, सुकून की शूटिंग कर रहे थे एंड अभी बहुत अरसे से हो गया कि हम लोग नौ दस बजे के बाद शूट नहीं करते हाँ, तो तो हाँ. to uh, uh, हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि यार अब कब खत्म होगा बट रात मैंने uh, आपको आधा घंटा सिर्फ आगे पुश इसलिए किया कि मैं चार बजे सुबह आया और वो सीन इतना खूबसूरत हो रहा था बारिश चल रही थी एज एन असली नहीं नकली फेक बारिश, बारिश। <laughs> और आ, हम उसमें भीग भी रहे थे और खड़े भी हुए थे बट दिस सो आई वाज मैं सोचता था कि ये मैंने दस साल पहले भी किया है ये मैंने पाँच साल पहले भी किया है कुछ जगहों पे तो मैं आज भी उतना ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो फ्रेम इतना खूबसूरत था और सीन वॉज सो नाइस दैट आई ऑलवेज गेट एक्साइटेड फॉर माई वर्क

पी विदे वो यू टू बिकम वॉट यू आर सो फिर आप छोड़ नहीं सकते फिर तो ये एक आपकी जिंदगी का साथ बन जाता है परमानेंट आई मीन यू एंजॉय डिफरेंट कैरेक्टर्स डिफरेंट सेन स्पेशली जब कैमरा ऑन होता है तब मुझे ज्यादा uh, मेरे अंदर कोई और you come alive. <laughs> ऐसे कुछ हो जाता है ना वो मजा आता है

वो एक बहुत इवल और बदतमीज आदमी से उसमें आए वो सॉफ्ट हुआ उसे समझ आई पूरी एवोल्यूशन थी उसकी हाँ बिल्कुल। तो वो जो जिस तरह वो बोल रहा था क्या वो भी ये भी तो रिस्क है ना टू ट्राई uh, uh, अच्छा उसमें uh, तो बोला मरिया कि वो एक बदतमीज और uh, थोड़ा सा थोड़ा सा कहीं नेगेटिव लोग लगता लेकिन मेरी नजर में कॉमिकल <laughs> थोड़ा सा कैरिकेचर था हाँ। लेकिन उसकी ये बदतमीजी जिसको हम बोल रहे हैं आ, उसके इलाके में वो तमीज थी हाँ, वो तमीज हाँ, थी कि हाँ। किसी गैरत थी, थी ना तो हाँ। किसी लड़की को अगर कोई गैर आदमी ऐसे हाथ लगाता है तो ये आज भी हम लोगों में ये वाली चीज है कि यार ये मेरी है और तुमने क्यों हाथ लगाया Uh, इस जगह पे हमें वो जिस तरह कर रहा होगा बदतमीज लग रहा होगा लेकिन और right, you know. right. right. you know, उसकी आप ऐसे जगह पे हुई है तो उसके तो पूरा इलाका ही ऐसे सोचता है तो hmm. so, वो सही था तो मेरी नजर में वो कैरेक्टर नेगेटिव नहीं था हमारे शहर के लोगों से डिफरेंट था एंड आई एक्चुअली बहुत सी उसकी चीजें मुझे सही भी लगती दर की बहुत चीजें गलत भी लगती थी जब वो कहता था कि एजुकेशन नहीं होनी चाहिए पढ़ना नहीं चाहिए तो वो ही तो वो, वो, थी तो है फिर वो ठीक हो हाँ। और वो जो लैंग्वेज की बात है मुझे याद है कि सब ने हमने प्लान किया कि हम ऐसे बोलेंगे आ, उसमें हमारे जितने भी एक्टर्स थे हिबाब मदर एंड द फादर रिहान भाई एंड ऑल अदर एक्टर्स वी स्पोक लाइक दैट एंड

प्रोड yeah. बहुत इंटरेस्टिंग था इट वाज लास्ट ईयर वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू लेकिन क्या एस्टेब्लिश्ड uh, एक्टर्स को नए एक्टर्स को देख के थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है कि भाई नए लड़के आ रहे हैं हमारे लिए जगह बनी रहेगी कि नहीं कुछ को शायद होती भी हो हाँ लेकिन को? अभी बोलूंगा कि नहीं होती तो आप यकीन करेंगी मैं बार. कर लूंगी मुझे हर एक की अलग पर्सनालिटी है मेरा एक आई डोंट नो दिस समथिंग कुछ ऐसा है कि मुझे कुछ चीज इनसे करती नहीं है मलिया मुझे आप देख लें कि मैं जो हीरो खड़ा होगा सामने उसके साथ एक छोटा कैरेक्टर भी कभी कर लेता हूँ आपके बहुत मिसाल देता हूं और कभी मैं आ, उनके साथ इक्वल बैलेंस पे भी काम कर लेता हूं। बहुत से प्रोजेक्ट्स में कभी मैं अपने भी प्रोजेक्ट कर रहा था तो मुझे तो अलफ किया था अलग miss, oh, uh, है? Uh, में मेरा छोटा कैरेक्टर था मेजर oh. तो नहीं था आई वॉज नॉट इन लीड

आप नेक्स्ट टाइम वन यू मीट न्यू पीपल हुव वर्क विद यू शुड आस्क दैम के हाउ वाज़ आई विद दैम बिकॉज मुझे तो बड़ा मजा आता है कि उनको कुछ मैं बता मैं कहता तो हूँ यार मुझसे कुछ पूछ रहे मैं बता दूँ ये ठीक करा दूँ या ये अच्छा कर रहा है तो उनको ये भी बता दूँ कि ये यूँ नहीं यहाँ पर यू होना चाहिए आई लाइक डूइंग दैट सो आई आई मीन एवरी इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू से नॉट इन सिक्योर और यू आर नॉट अनहैप्पी और योर नॉट एवर थिंकिंग कि यार ये क्या होगा अगर फेयर होता है हर चीज का लेकिन फिर वो इतना होता है कि वो आपको वो वो आप एलिमेंट ओवर पावर नहीं करना चाहिए आई मीन यू शुड यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ और उसके अलावा आप जो मेहनत करें मतलब आप क्या फिर ये थोड़ी होता है कि कोई यूं उठा के आपको साइड पर ये सोच ये फेयर ही गलत है ये इनसिक्योरिटी गलत है बहुत लोगों को होती है एंड देन यू शूड बिलीव इन गॉड इज़ वेल यार अल्लाह ने आपका रिस्क आपकी इज्जत आपकी हर चीज अल्लाह ने मुकर की हुई है मेरा ये यकीन और ईमान है यू जस स्ट्राइव थ्राइव वर्क हार्ट फॉर योर बिट एंड समेट विदाउट वर्किंग हार्ट एंड यूल गेट मेहनत करने से क्योंकि ये हमारे तो बहुत एक यकीन दिलाया जाता है कि आप मेहनत करते हैं उसका फल मिलता है आपको तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आप अगर किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह जो है वो आपका उसको रिवॉर्ड नहीं देता ये हो ही नहीं सकता तो इसलिए इनसिक्योर तो ज्यादा वही इंसान होगा जिस जिसपे इसका मतलब है कि आप फिर आपको फिर अल्लाह ताला की बांट पे शायद यकीन नहीं हो रहा या आप उस पर खुश नहीं हैं कि अगर किसी को ज्यादा इज्जत मिल रही तो आप भी उसकी इज्जत करें अगर किसी को काम मिल रहा है आप भी करें तो ऐसे ही चाहिए। सो, सोच अच्छा अब ये सोचना तो ऐसे चाहिए और बहुत से लोगों को लगेगा कि यार ये सोच और कहने में आसान है करना ही मुश्किल है लेकिन आप यकीन करें मेरी अगर आप ऐसा सोचने लगे अपनी प्रैक्टिस करें रोज इस चीज की तो ये आपके अंदर चीज ठहर जाएगी तो फिर कभी कभी उस सब में ये होगा और ये होना ही होता है सबके साथ किसी भी करियर में कि कुछ चीजें सक्सेसफुल होंगी कुछ चीजें नहीं होंगी मैं तो कहता हूँ आप जो चीजें सक्सेसफुल नहीं होती उनसे ज्यादा सीखते हैं आप सीखेंगे कब यू कांट ऑलवेज लर्न जब हर चीज गुडी गुडी होती है यार तो फिर हर चीज गुडी गुडी होगी तो आप के साथ कुछ भी बुरा होगा तो आप तो झटके में आप खत्म हो जाएंगे आपकी आपकी स्ट्रेंथ से आप आप करते हैं हैं स्पोर्ट्स 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 क्यों कहते हैं कि कल्चर इतना जरूरी है हमारी ज़िंदगी में में बच्चों के लिए में गोल करने ही लगा था नहीं हुआ तो दैट्स हाउ टू नॉट विन ऑल्सो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन लाइफ यार, आप सीखते हैं इतना क्या जिंदगी में इस चीज को मैंने देखा बहुत लोग तैयारियां करनी चाहिए जिंदगी में आपकी पर्सनैलिटी जो हम बात करते हैं ना कि उसकी वो अपेरेंट्स की लोग ज्यादातर बात करते हैं लेकिन आप अंदर से भी अपने आप को किस तरह इम्प्रूव करते हैं बड़ा जरूरी है पेरेंट्स आप आप एज क्यों नहीं कर रहे है? वैसे के पेरेंट्स पेरेंट्स यार मैं you तो यू आर एजिंग बैकवर्ड्स ऐसा खान क्या हुआ है क्या आप इंजेक्शन लगा रहे हैं <laughs> क्या कर रहे हैं so, अभी टाइम नहीं है लगवा लेंगे अभी टाइम कोई हर्ज नहीं है I don't know, अपने भी choices कि मैं क्या <laughs> comment उस पर कह सकता हूँ

सुपर फिट लोग एंड दुबले पतले छोटे छोटे लोग प्रतीत एंड देन आई एम स्टैंडिंग मुझे लगता है कोई

ये भी क्या कभी कभी थोड़ा इस इंडस्ट्री में चाहे एक्टर्स के साथ ज़रूरी नहीं है स्पॉन्सर्स के साथ प्रोड्यूसर्स के साथ क्या थोड़ा सा एक एक इमेज क्रिएट करनी होती है एज इफ ए अ स्टार और जी मुझसे बदतमीजी की बात ना करें <laughs> क्या कभी कभी अपने काम को सीरियसली ताकि लोग लें और ताकि वो ज़्यादा आपके साथ ओवर फ्रेंक ना हो जाए फ्रेंच मैन वो फेवर्स ना मांगने शुरू कर लें क्या थोड़ा सा कोल्ड होना पड़ता है एक फसाड क्रिएट करना पड़ता है स्टारी फसाड

वो चेस्ट सही कि इस तरह वो चाहते हैं फेवर्स हो जाएं वो कर लें लेकिन जब अपनी अपनी एक्टर कम्यूनिटी की बात करता हूँ तो सेट्स पे मुझे ऐसा लगता है कि एक हम अपने सीनियर्स से हमारे अपने जूनियर्स और दूसरे लोग बड़ा एक रिस्पेक्टफुल uh, मैनर में चल रहा है मुझे आज तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ जहाँ पे मैंने मुझे थोड़ा करना बताना पड़े कि यार मेरे साथ जरा ये करो या स्टे इन योर लिमिट्स इट डजन हैिटी हाँ आप जब बाहर जाते हैं बाहर के कोई लोग या कोई जैसे अपने बोला किसी को शार्ट आउट चाहिए किसी को बर्थडे शार्ट आउट चाहिए लोग रैंडमली आके वीडियोस हमारे साथ एक टिकॉक बना दें, हमें एक प्लीज हमारी वो फ्लां जो हैं, वो वीडियो पे हैं आप उनको जरा बद सो so ये तो बहुत होता है जो रैंडमली पीपल बट देन आई डोंट नो मे बी मैं मैं बहुत मैं, मैं सोचता हूँ उनको लग रहा है कि मैं रोज उनके घर में आता हूँ टीवी पे और ये हमारा अपना है मुझे ऐसे फील होता है मुझे बहुत सी उमर रसीदा जब खबातिन मिलती है मुझे इतना प्यार से देती है बच्चों की इतना बुला के बालों पे हाथ और ऐसे प्यार व्यार तो मुझे इतना मज़ा आता है मुझे लगता है कि शी 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 आई हैव मेट फॉर द द फर्स्ट टाइम बट वे इज़ टॉकिंग टू मी दैट लेडी टॉक्स एज इफ मैं तो मुझे अच्छी तरह जानती हैं फिर आई रियलाइज के जब भी अपने बेडरूम में या अपने ड्रॉइंग रूम लाउंज में जब भी पूरी फैमिली बैठती है तो आई एम पार्ट ऑफ फैमिली बिकॉज मैं हर दूसरे चौथे दिन उनके पास टी वी पे आता हूँ और मैं एक बड़ी स्क्रीन पर वो मुझे सब देख रहे होते हैं पाँच या चार लोग तो मुझे इनको कितनी वैल्यू दे रही क्योंकि ये अपना काम भी कर रहे हैं मुझे भी देख रहे हैं यार दे लाइक मी दे लव मी सो दे वाचिंग मी एंड द वे दे ग्रीट मी एट टाइम्स तो फिर मैं कहता हूँ यार इनकी मुझे डबल रिस्पेक्ट करनी है क्योंकि अगर ये मुझे इज्जत दे रहे हैं मुझे चाहे कोई भी हो इवन बहुत से लोग अक्सर रैंडमली शूटिंग के दौरान सड़क पे मिल जाते हैं हमें रुक के एंड आई गिव आई मैं वैल्यू देता हूँ उनके क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी के लिए मैं तो नहीं जाता किसी के पास यार कि मुझे तुमसे तस्वीर उतरवानी है या मुझे आई I मीन mean, मेरे लिए बहुत ही वैल्यूबल बात है कि कोई मैं कहीं रुक जाऊँ किसी को ये बोलूँ इट्स अ वेरी ये बहुत वैल्यूबल चीज़ है तो मेरे पास जब कोई आता है या मुझे ऐसे कोई बोलता है कोई uh, अप्रोच करता है तो आई गिव ऑफ वैल्यू टू दैट पर्सन एंड स्पेशली वेन इट्स दी

यू you नो know, बहुत जगहों पर जब हम स्पेशली कहीं पे जाते हैं तो यू यू नो नीड सिक्योरिटी आई डोंट लाइक दैट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो सिक्योरिटी वाले भी लोगों को कभी पीछे कर रहे करो तो मुझे हाँ, बहुत गुस्सा चढ़ता है किसी को हाँ. और uh, कभी कभी मैं नहीं देख पाता कोई बच्चा या बच्ची या किसी खातून को धक्का लग गया और मुझे लगा कि मैं कहीं से गुजरा था और मुझे नहीं मालूम कहीं हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगता है स्पेशली फॉर द किड्स एंड वेमेन आई टेल माई When I go somewhere somewhere, in the mall or I'll tell the security, I talk to 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 them first तो Don't be be disrespectful to anybody who wants to approach me। हाँ, be careful। Dangerous भी कुछ हो सकता है कभी हमें डर होता है कि रश में कोई कुछ और ऐसे ना मिल जाए लोग कोई गलत कुछ ना हमारे साथ हाँ, कर ये होता, होता है हो ये फेज होते हैं छोटे मोटे और ये होती हैं चीजें बट देन मैं उनको स्पेशली ब्रीफ करता हूँ किड्स एंड वेमेन डोंट एवर इफ आई सी दुशिंग मुझे बहुत बुरा लगता है तो यार क्या मतलब आप अपने आपको क्या समझ रहे हैं भाई कि आप लोगों को गुजर रहे हैं आप ओवर

Uh, मुझे ऐसा लगता है मरिया कि आप जो बात करिए ना कि स्टार होने का एक नेचुरली बहुत से लोगों में नेचुरल भी आर्टिस्ट होता है मेरे अंदर नेचुरली शायद ये चीज़ नहीं है कि मैं मैं एक बिहेवियर अपना ऐसा रखूं कि मैं जी कोई पीछे हट जाओ मैं ऐसे मुझे लगता है वो टाइम आउट में वर्क करा Because you're naturally naturally talkative, you you. want want to to enjoy enjoy and want people yeah. to enjoy with that's that why works it works. For you Maybe, Maybe. Maybe. I out for a shoot. भी हंसी मजाक हो रहा था तो वो इट शोज ऑन स्क्रीन ना जब किसी का कोई ईगो ना हो बस दोस्तियाँ हो दोस्ती मतलब कुछ और नहीं, नहीं चलना, नहीं चलना चाहिए ना कई लोगों के आप कैजल होते हैं क्योंकि होस्टिंग का मुझे uh, ये जो टाइमर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ hmm. उसके बाद दो-तीन डिफरेंट जगहों से मुझे अप्रोच uh, किया लोगों ने लेकिन वो मेरे मुताबिक का कुछ नहीं हो रहा था इसलिए मैंने कहा hmm. as soon as i get something which is uh, what i want to do interesting yeah. interesting but i feel that is different from what i've done because I'd, i did time out for a year and a half almost for a year 100 yeah. episodes almost i did yeah. bowl nights with asim khan for like 100 episodes almost Then, so, वो एक टिपिकल चीज से कुछ हटके कुछ अब होता है तो रिपेटिटिव हो जाता है कितनी बार कितनी, आप एक ही हाँ, लोगों को तो बुलाएंगे कितनी बार आप नए सवाल नहीं। सोचेंगे सो so, इसलिए मैंने बोला कुछ उससे मिलता जो कुछ नया अगर क्रिएट करेंगे तो आई डू इट समथिंग पोस्टिंग में थोड़ा ये प्रेशर होता है कि कोई एक दो ऐसी बातें हों जो इतनी कंट्रोवर्शियल हों कि वो ट्रेंड कर जाएं चैनल्स की तरफ से प्रोड्यूसर्स की तरफ से अच्छा मुझे पहले बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था लेकिन हमारे शोज में से कुछ ऐसी चीज़ें निकली लेकिन यूजली जो आ, मलिया जो यूजली वायरल चीज़ें हुई अगर आप नोटिस करें तो फन पार्ट हुआ फन फनी पार्ट शो यू मोस्टली इट was नॉट वेरी इंटेंस controversial और hitting ऑन somebody पर्सनली एंड किसी की जातियात के ऊपर अटैक किसी ने कर दिया तो वो वायरल चला गया या मैंने सवाल ऐसा कर लिया कि जातियात पे शायद कुछ हमारे स्क्रिप्ट में सवाल आए हों के एक्टर्स को रेट करें उनको रेट करें वो भी मुझे सवाल पसंद नहीं है मुझे नहीं पसंद वो सवाल

अब बताइए कौन बुरा है उनमें से एक्टर ठीक है शायद एक उनमें से थोड़ा थोड़ा कम अच्छा अच्छा हो या शायद ज्यादा अच्छा पता होगा हो वो कौन है कौन है कौन कौन अब मैं हूँ यार मुझे कितना लगा कि मैंने दोस्तों के लिए कॉमेंट आपने घर में आपसे अगर मैं घर में घर में, वालों से सवाल पूछे कि आपकी फेवरेट आपका बच्चा कौन सा फेवरेट या आपकी फेवरेट कजन कौन सी है तो थोड़ा ऑड ही लगेगा यार ये जिस सवाल का जवाब देते हुए अभी तो तो ये फ्रेंड्स में आप दोस्तों में कैसे कह सकते हैं सो इट्स लिटिल ऑर्ड बट सम पीपल थिंक इट्स राइट

और इस शो के क्लिप्स या इस शो की चीजें लोग देखते हैं और निकालते हैं तो आप उस शो पे परपजली भी ऐसी बातें कर जाते हैं जहाँ पे किसी को आपको एक मैसेज भी देना है या किसी को टोंट करना है या किसी को हिट करना है या किसी को से रिवेंज लेना है वापस और उसके बारे में ये बोल देना है तो वो प्लेटफॉर्म में उनको यूज करना है किसी को कर ले अब मैं मुझे कोई बात अगर किसी को बोलनी है और आपके पास में बैठा हूँ और मैं अगर डायरेक्ट किसी को हिट करना चाहता हूँ मैं कर दूंगा यहाँ पे तो आप उसको लगा दें अगर

मेरी जो फैमिली है मैं मदर्स और द फैमिली द वेरी रिलीजियस पीपल तो बचपन से एक ट्रेनिंग है हमारी कि जब रमज़ान आया तो बस आप दुनिया को छोड़ें बिल्कुल और रमज़ान का जो एक वो कहते हैं ना ख्याल रखना वो बड़ा ज़रूरी है कि आपका रोज़ा भी है आपकी नमाज भी है आपका कुरान भी है और आपकी इबादत भी है एंड यू हैव टू एंड वी बिन दैट सो आई आई डि नॉट एवर ट्राई कि मैं रमज़ान शो होस्ट करूँ मेरी कभी सोच में भी नहीं आया था बिकॉज मेरा काम दूसरा है एक्टिंग एंड फिल्म टीवी ये लेकिन अब मुझे यू ये मुझे नौ दस साल हो गए काम करते बट आई आई वुड मजे मजे की क्लिप्स आती हैं आपके की, बहुत बिकॉज मैं नात भी पढ़ता हूँ तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है नात पढ़ना और अभी बल्कि मैंने अभी दो तीन रिकॉर्ड कराए हैं स्पेशली ये जो पिशार रमजान गए उसके लिए और नेक्स्ट मैं वीडियो भी कर रहा हूँ आई लव डूइंग दैट मुझे हम टी ने

इस इस एस्पेक्ट के बारे में आज मुझे पता चला है और मैं अब घर जाके इसमें ज़रूर मुताल करूंगा पढ़ूंगा ये आई टेक इट वेरी सीरियस यार मैं तो बहुत पढ़ता हूँ उसके बारे में ऑल दो मैं मेरा काम होता है स्क्रिप्ट को फॉलो करना बट मुझे स्क्रिप्ट को भी फॉलो करता हूँ उसमें लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ दस वाई मैं तो उसकी बुक्स खरीदना बुक्स जमा करना स्कॉलर्स को बोलना कि प्लीज़ मुझे ये बुक ला के दें दे गिफ्ट भी वो देते हैं बुक्स और फिर उनके साथ फ़ोन पर डिस्कशन करना

मेरी तो बड़ी जिंदगी इम्प्रूव हुई है आफ्टर डूइंग रमजान ट्रांसमिशन तो अगर मैं ना करता मरिया तो आप सोचेंगे कि मेरी इम्प्रूवमेंट में कितना खलल होता okay, अच्छा, जब मैंने तो, ऐसे इम्प्रूवमेंट हाँ, सॉरी पर्सनल जात की बात कर रहा हूँ पर्सनल रिलीजियस एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ पर्सनल ताल्लुक विद पर्सनल अल्लाह से एक ताल्लुक आपका जो कायम होता वो लोगों को तो हम लोग मुझे सिर्फ एक

ज द रिस्पांस वॉज ग्रेट बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना कि जब हम बाहर जाते हैं तो oh, जो crazy, जो प्यार crazy, crazy, crazy. यार, आप जहाँ भी ये अवॉर्ड हाँ, एक तो बड़ा मजा आता है जब बाहर अवॉर्ड होते हैं हाँ, इसलिए मजा आता है कि आ, आप उस सिटी में पहली बार या दूसरी बार जा रहे होते हैं आप तो बहुत बार गए लंदन आप तो मैनचेस्टर ah, uh, में ये मैनचेस्टर में था मैनचेस्टर में गया हूँ लेकिन कम कम लोगों से इंटरेक्शन okay. हुआ इस तरह से okay. नहीं हुआ सो okay. so, उन लोगों ने शायद हमें पहली बार मुझसे hmm. मिले होंगे जो लोग वहाँ पे ऑडियंस मीटिंग and then even in us we went to houston last last time that was amazing for hum hum awards, hum awards yes. yeah, yeah yes. and then you know whenever we, canada we went to canada

मुझे इसलिए मैं इसकी आ, एक आ, आपको बताता सोच के नहीं बिल्कुल सोच के थी नॉर्वे में ये आई पी पी एवॉर्ड जो था दो साल पहले और आई कुड नॉट फ्लाई मेरी फ्लाइट थी कल सुबह और मैं बीमार हुआ तो मैंने मना कर दिया जाने से आई वॉज नॉट वेल बट वो अवार्ड मुझे मिला वहां पे अनाउंस हुआ आई थिंक फॉर और समथिंग और माया ने अनाउंस किया था एस एन इज नॉट हेयर एंड वो मेरे पास वीडियो भी है तो उसके बाद मुझे ये लगा कि नहीं

फर्स्ट हो है। 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 hmm. सुनी होती है और आप, ने भी की होती है लेकिन सुनी सुनाई पे लोग वो जुबान जद बनती है और आप उसमें कहते हैं हाँ ये सही एक होता है जो, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया <laughs> आप हंस की मुस्कुरा रही अच्छा अच्छा एंड इंटरनेशनल क्या आपको लगता है कि देखें दुनिया के जो हालात चल रहे हैं कभी फ्लड्स आएंगे कभी जंग होगी और हमेशा ही परेशानियाँ हैं वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ हर महीने एक कोई ऐसी परेशानी कोई नेचुरल डिजास्टर और इस वक्त ऑफ कोर्स वी आर गोइंग थ्रू पर्टिकुलरली अ वेरी पेनफुल टाइम राइट right? और वो हम सबको तकलीफ हो रही है right? बिल्कुल आई तो, थिंक कोई ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि अगर आप जब फलस्तीन की बात करते हैं और किसी इंसान इंसान बने से ह्यूमन नॉट जस्ट मुसलमान नॉट मुसलमान इंसान कोई उस चीज से अफेक्ट ना हो ये तो पॉसिबल कोई आ, मुर्दा जहन या एक सुन इंसान ही होकर जो इतना अवेयर ही ना कि क्या हो रहा है, है? दिल दुखता है एवरी डे मलिहा हर रोज आप बस वीडियो देख और मैं ये सोचता हूँ यार कि हम लोग वो देख के उनको एहसास होता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हम अभी भी यूं बैठे हैं नॉर्मल मैं अपने बच्चों के साथ था आपने बच्चों के साथ हम घर में हैं हम अभी कुछ खा भी लेंगे हम कि चले जाएंगे लुक एट दोस्त फैमिलीज यार मलिया इट्स अनबेरेबल आई कैन आई आई जस्ट कांट मैं नहीं कर पाता, I cannot function. मेरा दिल दिल जो 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 है 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 वो वो आप कहते हैं ना ना असल मायने में कि आपका दिल हो जाता है हर हर चीज चीज से वो देखने के बाद, इतनी हाँ, इतनी हर लग रही होती है, है जो हमने बनाए, जो हमने बनाए, सोचा, जो हम उस तकलीफ को देखिए लेकिन ऐसा आपने भी पैसे कमाने ब्रेड एंड बटर दिस इज प्रोफेशन डू थिंक कि एक्टर्स थोड़े इजी टारगेट्स होते हैं कि लोग उठा के कहते थे कि जी ये देखो ये तो फन कर रहे हैं और आई I मीन mean, आप आप इट्स सपोज टू लुक लाइक फन और जॉब लुक्स फन योर जॉब लुक्स फन बट इट्स अ जॉब कभी-कभी आपकी तबीयत खराब होती है आप कर रहे हैं कभी भी हम you, करते हैं you, हमारे घर कर... में कभी

वी ऑल एक्टर्स हैव फॉलोइंग बहुत है लोग जो है सोशल मीडिया पर और भी मैं तो फिर भी इतना एक्टिव नहीं जो बहुत एक्टिव हैं एंड दे हैव लॉट ऑफ फॉलोइंग यंग पीपल एंड एवरी वन सो दे पीपल डू फील दैट देव सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी आई डू नॉट मैं इस चीज़ को बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि लोग अगर आपसे कहते हैं कि आप कॉमेंट करें आप क्यों नहीं बोल रहे लोगों लोग दे आर ओपन टू डिबेट आपकी वॉल पे कमेंट भी करने के लिए ओपन है आप चाहते हैं वो आपको फॉलो करें देखें अच्छी चीजों पे कमेंट करेंगे तो किसी और पे भी तो करेंगे ना कमेंट अच्छा सो यू आर रेडी फॉर दैट नहीं बिल्कुल कमेंट करें लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मे बी वे सफरिंग एंड वी कैन नॉट पुट ऑल आर सफरिंग ऑल द टाइम जैसे आप कह रहे हैं आपके अबू की तबियत खराब है आ, मेरे अबू की डेढ़ साल से तबियत बहुत ज्यादा खराब है लेकिन मैंने आज तक कभी सोशल मीडिया पर नहीं लगाया

यू कॉन्ट टेक इट और हम सब इमोशनल भी हो जाते हैं और बनता भी है तो इसलिए अगर कोई आपको अपने इमोशन में आ गलत कर गलत कॉमेंट करे तो वी शुड ऑल्सो थिंक कि यार ये भी इमोशनली अभी इस मूड में है तो ये कॉमेंट करें बट एट द सेम टाइम जैसे आपने बोला कि ये हमारा काम है और हम ब्रेड बटन कमा रहे हैं तो कमाना तो है सब ने काम करना अभी आजकल पिछले दिनों में क्रिकेट मैचेज चल रहे हैं और सब लोग लाइक क्रिकेटर्स क्रिकेट भी खेल रहे हैं Uh, सब लोग uh, हाँ, के बारे matches, में बात, बात हो रही है, हो रही है देख भी रहे हैं हाँ. तो अब मैं ये कहने पड़ू कि अवाम क्यों देख रही है या मैंने क्यों क्रिकेट देखा मैंने वैसे कम ही देखा इस दफा बिकॉज आई वॉज बिजी आई वॉच इट प्रॉपरली बट देन मुझे ये लगता है कि uh, कुछ भी कर लें, कुछ भी जिंदगी में हो रहा है uh, मजलूम जहाँ पे पिस्ता है उसके लिए बोलना जरूरी है But, yeah, this is, this is Uh, जब हम लोग नहीं बोलेंगे ना यार जिनकी फॉलोइंग होती जिनको लोग सुनते हैं तो फिर कौन बोलेगा यार सोसाइटी में कौन बोलेगा मैं यार और लोग एक्सपेक्ट करते हैं किसी एक शख्स की फॉलोइंग नहीं है और वो एक्सपेक्ट करता है कि जिसकी दस मिलियन फॉलोइंग है उसको आप बोलें आप सु, लोग सुनते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी सही हैं लोगों की मैं इस पर बिल्कुल मुझे एतराजी होता वो एक्सपेक्ट करते हैं और uh, हाँ किसी के प्रेशर में आके फिर लोग बोले ना बोले वो उनकी चॉइस है उनको किस तरह इस चीज को डील करना है mm. सबका कर अपना पता, पता तरीका है लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन रॉन्ग नहीं है 100 परसेंट मैं ये नहीं बोलूंगा देर एक्सपेक्टिंग रॉन्ग अ अ टू से समथिंग अबाउट देम राइट व्हेन यू यू हैव हैव वॉइस प्लेटफॉर्म यू शुड से एटलीस्ट स्टैंड फॉर स्टैंड फॉर द राइट यार थोड़ा सा जो सप्रेस लोग उनके बारे में मैं अभी मैं स्टेज पे था आई पी पी में, में award, था। uh, का शो था और सब लोग चल रहे थे लेकिन आई स्पोक अबाउट दिस थिंग मैं फलस्तीन को क्यों वहां पे याद किया जी, अब उसके बाद yes. उससे फायदा क्या हुआ मुझे बोलने का एक तो बहुत जगह पे आवाज जाती शायद हमारी बात का असर हो जाना हो लेकिन मैंने एक चैरिटी ऑर्गेनाइज की कर रहा हूँ जो कि सप्रेस लोग हैं वहां के उनके लिए मैं वहीं पे कर रहा हूँ और लोगों को मालूम है कि ये अब मैंने लोगों को बताया है बहुत से ग्रुप्स में शेयर किया कि यार हमें पैसे जमा करने हैं हमें चैरिटी करनी है और कुछ तो अपना हिस्सा डालें किसी तरह से कि किसी तरह से कुछ तो करें सिर्फ बोलने से भी क्या फायदा होगा वी हैव टू उनके साथ क्या किया था लोगों ने कितना जुल्म किया था उन लोगों के साथ आप कहीं पे भी आपको याद है मैंने, uh, मैं जब, uh, में, तब भी मैंने ये बात की थी उडारी के लिए

खोलेगा तो पता चलेगा कि क्या चल रहा है इसमें इमोशंस भी हैं रोमांस भी है बट स्ट्रगल भी है साथ-साथ सुकून में यू हैव डेलिब्रेटली चोजेन अ पॉजिटिव कैरेक्टर ये डेलिब्रेट था कि नहीं बिल्कुल डेलिब्रेट था बिकॉज़ वो नेगेटिव जब कर लेता हूँ एक दो शॉट का नेगेटिव था हाँ नेगेटिव था देयर शेड्स थे ग्रे शेड्स सो इसमें बिल्कुल एक धीमा सादा अच्छा नाइस गाय और वो लोग बोल रहे हैं यार कितना अच्छा है ऐसा जो ये जिंदगी बचा रहा है ये कर रहा है, तो वो ऐसा ही है दोस्त है मेरा और बहुत मैंने पहले उसके साथ काम किया बहुत so, बल्कि अब तो काफी अरसे बाद मैंने के साथ काम किया दोबारा सो ओवरऑल अब्दुल्ला सेजा मैं उसकी प्रोडक्शन की तो फ्रॉड भी अब्दुल्ला का था ना? हाँ हाँ यस hmm. फ्रॉड yeah, भी पर अब्दुल्ला की ए, एक बहुत से प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी क्वालिटीज हमेशा हमें डिस्कस करनी चाहिए बिकॉज हम वो कैमरे के पीछे होते हैं हम कभी डिस्कस नहीं कर पाते अब्दुल्ला इज़ वन प्रोड्यूसर जो अपने प्रोजेक्ट में इतना इन्वॉल्व होता है और वो छोटी छोटी चीज़ों का इतना ख्याल रखता है कि मुझे बहुत इम्प्रेस करता है वो फिर सबसे ज़्यादा जो मैं देखता हूँ कि उसको ये परवाह नहीं होती अगर डायरेक्टर की डिमांड है कि मुझे ऐसा लाविश जगह चाहिए या मुझे वही पे शूट करना आज शूट नहीं होगा और हमें वही गाड़ी चाहिए और हमें वही चीज चाहिए ही विल से ओके टू दैट एक्टर ने बोला मैंने बोला कि अब्दुल्ला ये वाले कपड़े यार इसमें होने चाहिए मेरा कैरेक्टर में ये होना चाहिए ये चाहिए मेरी गाड़ी ये वाली उसमें आनी चाहिए अगर आई एम प्लेइंग दिस काइंड ऑफ गरीब करो तो ये कहेगा ओके यूर राइट लेट्स डू इट ही सो लाइक मैं कभी आई एम वेट आई वेट फॉर दिस थिंग कभी तो अब्दुल्ला बोला नहीं ये नहीं हो सकता आपने ये क्यों नहीं किया वो करता ही नहीं है सो गुड सिराज की आप वो देखो जो वो शुरू के मेहंदी वाले सीन्स हैं जहाँ पे वो फूल बुल की बास्केट गिरती है जहाँ पे रजा और जो सना है उनकी वो आग लगना जो भी सब कुछ होता, होता है वो आउटडोर हवेली डिफरेंट है इनडोर उसका डिफरेंट है अच्छा और

आई सॉ वो गाड़ी का सीन है मुझे लगा आज अभी गाड़ी के तीन चार सीने खत्म हो जाएंगे अब्दुल्ला थे सराज थे वहां पे एक ट्रक आया हुआ था ट्रक के ऊपर जनरेटर अलग साथ साथ चलता है। चल रहा था और जनरेटर और और और, होती है और लाइट्स और जनरेटर्स और लाइट्स एच एम आई जो है हमारे ऊपर पूरी सेटअप हुआ है और वो गाड़ी चल रही है और रश नहीं चाहिए तो हाईवे पे जाना था हमें हाईवे पे चल रही है और वो सीन्स

यार एक्टर को।, को भी मुझे ऐसा लगता है उस तरह पर्सनली शायद मैटर ये ना करें वो वो अगर खुद से उसने परफॉर्म बहुत अच्छा किया हो वो बहुत खुश होगा अपने प्रोजेक्ट के लिए बट मुझे लगता है मार्केट में मैटर करती है कि ये प्रोजेक्ट चल रहा है और ये मैटर आपको घर में बैठे हुए में बैठे इतनी मैटर नहीं करते

वर्स्ट वन बट इफ नॉट द बेस्ट वन बट चलो कुछ ठीक होगा ऐसे ही होगा इतना कब से काम करो तो, तो आएगा नहीं मेरे पास तो 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 अच्छा भी क्योंकि हमें अच्छे दे रहे होते हैं सर्टन अमाउंट तय उनको मालूम है की इतने पैसे लेते हैं और इस तरह से काम चाहते हैं कि अच्छा हो तो फिर वो अप्रोच ही तब करते जब उनको मालूम हो के

हम देखते हैं कि बहुत अर्न करते हैं इस करते हैं वे वेरी वे वे ब्लेस्ड बहुत की डेफिनेशन अपनी अपनी होती है बहुत लोगों के लिए हम बहुत अर्न अपने लिए कभी हम सोचते नहीं यार ज्यादा सो बहुत की डेफिनेशन अपनी की अपनी है, है हाँ, हाँ हजार ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले बट मुझे ऐसा लगता है कि वो काम आप छोड़ के भी नहीं बैठ सकते बिकॉज इफ दिस इज योर ब्रेड एंड बटर So then, you actors have to work, and I don't blame actors if they do an average kind of project. That's maybe they're doing it because of money. It's okay. Essan, you just had a baby. You yeah, yeah a baby yeah, yeah, daughter. Yeah, yeah. Yes. Maşallah. Is it fun having a child <laughs> yeah. uh, at this age? Is it yeah. fun? Do you feel young again? एक होता है छोटा बच्चा घर में आता है मज़ा आता है ना I'm उसे खेलने लगते हैं. बहुत बहुत ज़्यादा बहुत enjoy कर रहा हूँ. MashaAllah.

वो जो बेबी ऑफ द हाउस है वो अब सबकी वो फेवरेट बनती जा रही है शी इज लाइक अ टॉय नाउ एंड इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग यार माशाल्लाह मैं तो आई लव किड्स सो मैं ये तो कह, ये एक अजीब बात है कहने के लिए आई लव किड्स और मैं तो कहता हूँ कि एक दो तो बच्चे बहुत कम होते हैं यार <laughs> ये मेरे लिए शायद मैं गलत मैसेज अगर आप अफोर्ड यू नीड टू आस्क माय वाइफ बट इफ यू कैन अफोर्ड आई मीन अगर आपको लगता है कि आप कोशिश कर सकते हैं कि अच्छी परवरिश करें उनको अच्छे स्कूल्स में hmm. पाल अच्छा सके कि आजकल के हालात भी ऐसे हैं तो फिर ठीक uh, है वरना otherwise तो वाइफ नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री Do you think एक अच्छा घर में बैलेंस हो जाता है वर्क लाइफ का जैसे जो दो एक्टर्स की शादी होती है तो मुस्तकिल एक ही बात है कि बार डू यू थिंक इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड टू कम मुझे home? मुझे लगता है कि दोनों तरह से फायदा और नुकसान भी हो सकता है अगर आपकी वाइफ आपकी सेम फील्ड की शायद आप एंजॉय भी बहुत करते होंगे hmm. एक ही तरह की बातें रोज आप, आप शेयर भी कर रहे हैं अपनी चीजें एंड दे बोथ आर गोइंग टू द सेट्स एंड दे बोथ टॉकिंग अबाउट सेट्स एंड डिफरेंट पीपल दे नो फ्रेंड्स भी वही होते हैं फिर दोनों एक एक ज़्यादा सक्सेसफुल सक्सेसफुल। हो जाए, एक कम ये तो फिर एक बड़ा मूवीज़ में, में हाँ। ये फिर एक मुश्किल बात है लेकिन उसके लिए भी एक फिर uh, I think mentally strong होना चाहिए। uh, मुझे ड्रामाज वो वो भी नहीं देखती थी अब अब मेरे कुछ कुछ देखती है और कुछ और भी देख लेती है So, uh, वो मेरी बहुत ज्यादा इस फील्ड की डिस्कशन नहीं होती एंड hmm. uh, मेरे बच्चों में भी क्योंकि वो उसको ये होता है कि पढ़ें और स्कूल जाएं और टाइम पे जाए वो उस तरफ ज्यादा रुझान है ग्रेट बैलेंस um, मुझे लगता है कि कभी कभी हाँ ये फील होता है कि यार मैं गोइंग किड्स और शी वुड नॉट बी कम्फर्टेबल विद माई फ्रेंड्स माई फील और

एज आई टोल्ड यू दो भी है। है, एक फिल्में नहीं बन रही इसका मतलब है मेरे पास एक आया हुआ था पहले वो नहीं कर पाया एक और है लेट्स एंड uh, एक दो और दूसरे स्क्रिप्ट yes uh, एक आदि चीज को

I think वो काफी एक हुआ था ना कि चार फिल्म एक साथ रिलीज हो गई थी और फिर उसके बाद उनको टाइमिंग सुबह का 11 बजे फिल्म लग गई और इस तरह बहुत तो सफर किए थे think, दो तीन फिल्म्स ये हुआ था और अगर आप बेटर होने की बात करते तो यार उसकी तो मरिया कोई लिमिट नहीं है कि हर चीज को जवाब

इस तरह के नहीं नहीं आप 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 हिंदुस्तान में जब मैं तो, मैं पाकिस्तान के बात कर रहा कि वहाँ पे हर हीरो का डांस करना फिल्म में देखें हाँ, हाँ, वो सब डांस करते स्किल है तो हमारे यहाँ पे हमारे बने ही ना उस तरह की फिल्में और मुझे क्योंकि वो अच्छा लगता है परफॉर्म करना सो so, फिल्मों से ज्यादा स्टेज पे हमारे ज्यादा hmm. दिखाई भी देते क्योंकि टीवी यू एंजॉय इट तो आई एंजॉय डूइंग दैट और फिर वो लोगों को लगा कि ये कर रहा है तो फिर आ, काफी अवार्ड फंक्शंस में बट एस आर अवार्ड्स इंपॉर्टेंट अब तो मैं एक लक स्टाइल अवार्ड्स के पॉइंट से बात कर रही हूं एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल एक्सपेक्टेड यू टू बी नॉमिनेटेड इवन आई आई सेड इट ऑन रिकॉर्ड आल्सो क्योंकि यू हैड अ वेरी स्टेलर ईयर लास्ट ईयर हम नशी ऑफ रॉड दो बहुत

And then I came back and I, I was invited to the awards. I couldn't go. I was again gone to Dubai. Because in those I was Dubai some And too occupied in that. And then a lot of people like you, you thought that. A lot of other people also called me up and said, why aren't you nominated? You're fraud. And Hamnashin miss kar But then I... How do I respond? Because it's... Um, मेरे उसमें है ही नहीं ना कि मैं था या नहीं था really like तो इट सो, no, 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 जब नहीं था तो बस नहीं था आपसे डिस्कस कर लूंगा अपने किसी दोस्त से कर लूंगा अपने घर में नहीं फील हुआ जब नहीं हुई तो नहीं फील आप बड़ी अच्छी, अच्छी, अच्छी एक्टिंग करते हैं सर <laughs> नहीं ऑनेस्टली मिले व्हाट डू आई से आई मीन व्हाट डू आई से इफ समबडी इज इफ यू आस्क मी इफ आई एम नॉट प्रेजेंट एट अ सर्टेन प्लेस व्हाई माय नेम वाजंट टेकन देयर व्हाई आई वाज आई मीन व्हाट डू आई से इट वाजंट सो इट लेट्स गो ऑन लेट्स मूव ऑन क्या मैं i mean, fine, it's their choice. i what's your equation with momtaz, the indian actress? so oh, she, i love her. you hang out with her. i love her in the uk. she watches your dramas. as oh, yes. a Is a friend her. of yours? very close. That's very right. close. and we uh, a i just met was a crazy fan. Hmm. My, my parents were crazy fan. and then when i met her. So you met her at a work event? no, 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 no. I अच्छा। And, uh, उनसे दोस्ती होगी बहुत ज्यादा mm -hmm. और दोस्ती है इन आई थिंक शी इज ऑल्सो कमिंग टू पाकिस्तान यान और बहुत सारे लोगों के दोस्त हैं लेकिन मैंने व्हेन आई स्पेशली गो तू लंदन आई मेक शर आई गो तू सी हर एंड वी हैव गुड टाइम टुडे दे शी अमेजिंग एस एंड देर आर सो मैनी एक्सपीरियंसेस ना ऑफ योर्स बिकॉज़ ऑफ़ योर करियर एंड क्यूंकि यू वेयर नेवर टेकन अ ब्रेक कंसिस्टेंट काम �

मच इन अ वे जो कि लगे कि पुशी हो गया या थोड़ा सा कोशिश करे यू वेरी गुड एट डैट बातों बातों में बड़ी मज़े की बात कर जाती है और अगला जवाब भी दे देता है दे। प्लस यूर वेरी रिस्पेक्टफुल टू योर पीपल यू राइट यूर राइटिंग स्किल्स आर ब्रिलियंट आई आई वॉन्ट टू से दिस बिकॉज आर वेरी फ्यू राइटर्स हो जिसको मेरा भी दिल करेगा कि यार ये राइटर अगर हमारे लिए कुछ रखेंगी तो अच्छा होगा सो so, सो में आप हैं अच्छा ठीक है थैंक यू मच और भी कह सकता हूँ एक चीज और, और कहनी है बहुत से ऐसे क्योंकि आजकल हर क्यों, हर एक पास कैमरा और वो है ना तो हर कोई बन गया हुआ है यूट्यूबर और वो तो बहुत से लोग ऐसी ऑल बातें भी कर जाते हैं जो चीज जो समझ नहीं आ रही थी क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं यार ये कौन है जो कर रहा है और क्यों कर रहा है सो

अगर वो जर्फ वाला है तो वो वापस इज्जत देगा hmm. और अगर जर्फ वाला नहीं होगा तो वो आप वो समझेगा कि पता नहीं क्यों मुझे इज्जत मिली तो hmm. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिनको इज्जत हसम नहीं होती सो so, इसलिए हम भी इज्जत उसी को दे रहे होते हैं कि हमें मालूम होता है कि यार ये थैंक यू सो गुड बाय